तो गाइस, मुझे ये वाला वीडियो बनाने का एकदम मन नहीं था और मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा, ठीक है। बट जो चीज मैं देख रहा हूं ना, उसके बाद ये वीडियो बनाना मुझे कंपलसरी लगा। आज का जो वीडियो था उसमें मैं आप लोग को यूनिफॉर्म्ड एंड इन यूनिफॉर्म्ड रिसर्चर्स के बारे में बताने वाला था। आपको थोड़ा बहुत ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देता हम लोग का ए स्टार एल्गोरिदम के बारे में और BSS और डी ब्रेथ फर्स्ट सर्च एंड डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम के बारे में, जो हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट में आता है। बट जो चीज मैंने ट्यूजडे के वीडियो में देखी, उसको देखने के बाद मुझे ये चीज बनाना बहुत कंपलसरी लगा, क्योंकि मुझे लगा ये चीज मुझे बोलना बहुत जरूरी है। गाइस, मैं बस यही बोलना चाहूंगा कि देखो यार, आप लोग जितने भी लोग हो, मोस्ट ऑफ द लोग मैं देख रहा हूँ बहुत ज्यादा हेट कमेंट कर रहे हो। ये वाला जो वीडियो मैंने बनाया था इसके ऊपर बहुत लोग बहुत ज्यादा हेट कमेंट कर रहे हो। मुझे उस चीज का रीजन समझ में नहीं आ रहा कि भाई आप लोग क्यों, किस लिए हेट कमेंट कर रहे हो। यार, अगर कोई बंदा अच्छे से वीडियो देखे तो उसको समझ में आएगा कि गाइज, मैंने जस्ट उसमें कुछ रिक्वेस्ट की है और मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं वैनम भाई से। मैंने कोई डिसरिस्पेक्टफुल वे में उनसे बात नहीं किया, और वो डेफिनेटली बात है भाई, मैं खुद उनका रिस्पेक्ट करता हूँ। आई लव हिज वीडियोज, मैं खुद उनका वीडियो चैनल देखता हूँ, मेरा चैनल देखता हूँ यार, मुझे बहुत पसंद है। बस कुछ कुछ चीजें हैं जिनके बारे में मुझे उनसे पूछना था, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। यार, आप लोग बोल रहे हो, मैं किसी का कमेंट नहीं दिखाऊंगा यहाँ पर, मैं जस्ट बताऊंगा लोग क्या क्या कमेंट कर रहे हैं। यार, लोग बोल रहे हैं कि भाई तुमने वेनम टेक के ऊपर वीडियो बनाया जिसमें तुमने बोला कि तुम वेनम भाई को क्यों बोल रहे हो भाई कि PC रिलेटेड वीडियोस बनाए, वैसा करे। दूसरे लोगों को बोला भाई, और भी तो बहुत सारे चैनल्स हैं, उनको बोलो, इनको ही क्यों बोल रहे हो, क्योंकि इनके सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा है। तुम फेम खाने के लिए तुम बोल रहे हो कि फेम तुमको मिलेगा। मैं कोई फेम खाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं इसके लिए और कोई वीडियो भी नहीं लाने वाला हूँ। ये मस्त मेरा जेन्युइन क्वेश्चंस था जिसके लिए मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी, ठीक है। अब जो बात रहा फेम खाने का, ये करने भाई, देखो यार, मैं एक बात बताता हूँ, हमारे PC कम्युनिटी में, YouTube PC कम्युनिटी में, अभी अगर आप टेक रिलेटेड चीजों में, PC रिलेटेड चीजों में कोई एक ऐसा बंदा देखोगे जो भाई बहुत अच्छे खासे स्टेज पर है, तो भाई आपका दिमाग में नाम किसका आएगा? ऑफकोर्स वेनम भाई का आएगा, क्योंकि भाई हमारे PC इंडस्ट्री में जितने भी हमारे भाई यूट्यूबर भाई हो रहे हैं, उन सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर हमारे वेनम भाई के पास है। तो भाई एक, और वो PC रिलेटेड वीडियोस भी बनाते हैं, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि नहीं बनता है भाई, मेरे को क्लियर बताओ कि भाई वो उस टाइप के वीडियोस बनाओ। यार, मैं उनको नहीं बोल रहा हूँ कि उतना डेप्थ में जाके बताओ, क्योंकि उनका चैनल उस चीज का नहीं, लोग बोल रहे हो ऐसा वो वीडियोज ही नहीं बनाता है। चलो, आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक, चलो यहाँ पर मैं गलत हूँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ मेरा गलती कि भाई हाँ, वो उतना डेप मैं नहीं बना सकता क्योंकि उनका चैनल ही उस चीज का नहीं है। बट मेरे भाइयों, उस चीज से हट के भी वो उससे कम से कम जो वीडियो अभी वो प्रोवाइड कर रहा है उससे तो बेटर वीडियोस बना ही सकते हैं ना भाई। अगर आप वेनम भाई का चैनल अगर अभी आप देखोगे, मैं आपको दिखा रहा हूँ वेनम भाई, ये देखो, ये थंबनेल देखो भाई, फिर आप देख रहे हो अनबॉक्सिंग, मोस्टली ज्यादातर ये लेनोवो का, ठीक है। अब यहाँ पर गेमिंग, ये चीज का ऊपर क्या मतलब बनता है वीडियो बनाने का भाई? इस टॉपिक को लेकर कोई इतना बड़ा वीडियो, 23 मिनट का वीडियो लेने का कोई मतलब नहीं मुझे लगता है भाई। और ये आप देख लो, सब लैपटॉप मोस्टली अनबॉक्सिंग रिव्यू, अनबॉक्सिंग रिव्यू, इस टाइप की वीडियोज ही है। तुम खुद सोचो यार, जो बंदा कम से कम 1 मिलियन सब्सक्राइबर का अप्रॉक्स पे पहुंचने वाला है, क्या वो इससे बेटर कंटेंट नहीं बना? मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई हार्डवेयर अनबॉक्स जैसा वीडियो बना, लेकिन फिर भी इससे तो बेटर कंटेंट बना ही सकते हैं ना भाई, हाँ कि ना? मेरे को बस इसका जवाब दे दो भाई। अगर हम नहीं बना सकते हैं तो भाई फिर मैं कुछ नहीं बोलूंगा फिर, और अगर बना सकते हैं तो भाई फिर बनाए। आप लोग जिस वे में मेरे वीडियो को ले रहे हो ना, वो बहुत ही गलत वे में आप लेके जा रहे हो, आप उसको टॉक्सिसिटी फैला रहे हो। यू आर ट्राइंग टू क्रिएट टॉक्सिसिटी नेगेटिविटी थ्रू द वीडियो, विच आई एम नॉट गोना, मतलब उस वीडियो के थ्रू मुझे वो प्रेडिक्ट नहीं करना था। मेरा जस्ट कुछ क्वेश्चंस था जो हमारे वेनम भाई से मुझे पूछना था, और कोई लेना देना नहीं था भाई। वेनम भाई इज डूइंग वेरी गुड जॉब। मैंने उस वीडियो में बोला भी है कि भाई लैपटॉप केसेस में, लैपटॉप में बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते हैं वेनम भाई हमारे, लेकिन भाई जब कम टू PC, वहां पर मुझे थोड़ा सा लैकिंग लगता है, जिस चीज का बारे में मैंने वेनम भाई से बात पूछा, बस बात खत्म। और लोग बेकार के कमेंट कर रहे हैं।
अब यहाँ पर लोग, यहाँ पर एक और कोई लोग है जो लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाई इंडियन पीसी इंडस्ट्री, इंडियन पीसी इंडस्ट्री क्या तुम लगा के रखे हो, ज्यादातर प्रोडक्ट तो चाइना के हैं, ताइवान के हैं। भाई मैं यहाँ पर प्रोडक्ट का बात नहीं कर रहा, मैंने यूट्यूब वीडियो में ये भी क्लैरिफाई किया है कि भाई मैं यहाँ पर कोई प्रोडक्ट का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बस यही चीज बोल रहा हूँ भाई, ध्यान से सुना, मैं बस यही चीज बोल रहा हूँ कि भाई जो वीडियोस बनते हैं पर्टिकुलरली, आप मैं वीडियोस बना रहा हूँ, लोग बोलते हैं ना कि भाई मेरा मेरा, और हाँ इसलिए आ रहा हूँ, तो जो लोग वीडियोस बनाते हैं पर्टिकुलरली, वो नॉलेजेबल वीडियोस तो बना सकते हैं ना भाई, लाइक जिसमें वो रजिस्टर्स के बारे में बताया या फिर पीसी के बारे में, बहुत सारे चीजें हैं भाई पीसी इंडस्ट्री में, उन चीजों के बारे में बता रहा है, अनबॉक्सिंग करना, रिव्यू करना, ये सब चीजों को छोड़ के भी, वो चीजें मैंने बोला। मैंने थोड़ी ना बोला तुमको कि अलग से ब्रांड बना है, मैंने एक बार वीडियो में बोला कि वेनम भाई अपना खुद का ब्रांड निकाले, नहीं भाई वो उनके ऊपर है भाई, वो उनको करना है तो करे, नहीं करना तो नहीं करे, टोटली डिपेंड अपॉन हिम। बट मेरा बस ये था कि मैं वीडियोस उससे बेहतर वो बना सकते हैं, खुद कैसा वीडियोस बनाता हूँ, खुद वैसा टाइप का वीडियोस बनाऊ, उसके बाद जाके ज्ञान दू। भाई जरा आप जरा पूरा यूट्यूब में सर्च कर दो, कौन आपको एआई के एल्गोरिदम समझाएगा, वो भी 30 मिनट का वीडियो, पूरा सीरीज है ब्रो ये, आर्टिफिशियल क्लास वन है, आर्टिफिशियल एआई का एल्गोरिदम। अभी थर्ड वीडियो में जो आज लेके आने वाला था, बट ये सब जो बकचोदी हुआ है जिसका वजह से मेरे को ये वीडियो बनाना पड़ रहा है, ठीक है, मैं इसमें कम जाया हूँ। चैट जीपीटी आपका एक कोपायलट का एल्गोरिदम क्या है, किस तरीके से वो गोल और अपने गोल को, अपने स्टार्ट पॉइंट को ये डिसाइड करते हैं, एक्शन कैसे डिसाइड होता है। माइक्रो प्रोसेसर के बारे में मैंने बताया भाई, व्हाट इज माइक्रो प्रोसेसर 8085, देख लो यहाँ पर ढूंढ के बता दो भाई, ये तो इंट्रोडक्शन है, मैं धीरे धीरे और भी लेके आऊंगा। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर बताया एक्सपोज द बिगेस्ट स्कैम इन मदरबोर्ड, जाके देख लो आईसी के बारे में किसने बात की अभी तक, मुझे तो कहीं नहीं लगा। फिर उसके बाद यहाँ AM4 इज डेड, ये देखो RDNA के बारे में मैंने तुमको प्रॉपर 25 मिनट का वीडियो में RDNA, खाली 2 3 तो भूल जाओ भाई, पहले RDNA सीखो क्या है, RDNA के बारे में मैंने 25 मिनट का वीडियो बनाया। ये मैं उन लोगों को दिखा रहा हूँ जो ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि भाई तुम खुद वैसा कुछ वीडियो बनाया उस दूसरों को बोलने से पहले, बेसिकली वो लोग वो है जो बिना वीडियो चैनल देखे, बिना वीडियो देखे मेरे आके फालतू का कमेंट कर रहे हैं। भाई आप लोग के लिए है, देख लो मैं क्या क्या कॉन्टेंट बनाता हूँ, देख लो, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आता हूँ NPUs के बारे में, बेसिकली NPUs क्या है, 26 मिनट से मैंने NPU समझाया, यहाँ पर से मैंने प्रोसेसर के बारे में नहीं बताया, मैं आपको यहाँ पर कोई बकचोदी नहीं कर रहा हूँ कोर्स एंड थ्रेड्स का, मैंने पूरा प्रॉपर NPU समझाया, इसमें 26 मिनट का वीडियो है, जाके देख लेना मेरा भाई। ये देखो लेटेंसी का रियल डिफरेंस क्या है, पता भी है तुम लोगों को, देखो इसको मैंने पूरा लेटेंसी का रियल डिफरेंस बताया, इसका एक फॉर्मूला है जिसको तुम कैलकुलेट करके तुम एक्चुअल रियल लेटेंसी डिफरेंस निकालोगे, और जो कि सिर्फ मिली सेकेंड्स में आता है, नॉट इवन अ 1 सेकेंड रो। और ये तो ठीक है, अब यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाऊं, जरा मेरा प्लेलिस्ट में ध्यान दो, पीसी नॉलेज प्लेलिस्ट जो हम लोग का है ना, हालांकि ये वाला वीडियो भाई सबके लिए नहीं है, Level 3 मेंबरशिप के लिए, डेटा फ्लोस जीपीयू एंड सीपीयू एंड रैम एंड वीआरएम का डेटा फ्लो मैंने समझाया है 50 मिनट का वीडियो मेरा भाई, मतलब अभी 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 कुछ दिन में वीडियो आने वाला है जिसमें मैं इंस्ट्रक्शन सेट पूरा प्रॉपर बताने वाला हूँ, वीआरएम भी मैं पूरा प्रॉपर बताने वाला हूँ जो अपने पीसी नॉलेज प्लेलिस्ट में रहेंगे। व्हाट इज मदरबोर्ड, मदरबोर्ड का 1 घंटा का वीडियो बनाया मैंने, SSD का इन डेप्थ बताया भाई इंट्रोडक्शन में 33 मिनट्स का, चिपसेट मैंने बताया 43 मिनट्स का बताया, चिपसेट का मैंने वीडियो बनाया, मैंने इस मदरबोर्ड के बारे में प्रॉपर बताया। अब अगर वो लोग अभी भी बोलेंगे भाई तुम क्यों खुद वैसा कंटेंट बनाओ, तो भाई आप लोग के लिए भाई सॉरी, भाई आप लोग के लिए भाई सॉरी, फिर मैं क्या बोलूं, ठीक है। तो भाई मैं यही बोलना चाह रहा था आप लोग को कि भाई देखो हेट फैलाना, टॉक्सिसिटी फैलाना बहुत आसान है, ठीक है, बट उस चीज को अगर तुम थोड़ा सा साइड रखोगे, तो अगर वीडियो को तुम ध्यान से देखोगे तुमको समझ में आएगा मैं कुछ जेन्युइन क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ भाई, सीधा सा बात है, अगर आपके पास उसका आंसर है तो प्रॉपरली आप मुझे दो आंसर, आई विल एक्सेप्ट इट। बट आप लोग जिस तरह कमेंट कर रहे हो ना, उस चीज को देख के आदमी क्या बोलेगा, इससे तो यही चीज समझ आ रहा है कि भाई बंदा एक हमारे पीसी इंडस्ट्री को ग्रो करने में मदद कर रहा है, ये कर रहा है, एफर्ट डाल रहा है ग्रो कराने के लिए, ये कर रहा है, ठीक है, वीडियो ऐसा बनाता है, जागरूक करता है, बट लोग ही ऐसे हैं कि भाई उसी बंदे को और ऊपर से गाली गलौज दे के उसको और ऊपर से नीचे खींचेंगे, तो भाई आदमी का मनोबल ऐसे ही डाउन हो जाता है। और आज मुझे समझ में आया एक और सबसे बड़ा प्रूफ मुझे मिला कि भाई हमारा पीसी इंडस्ट्री क्यों नहीं ग्रो कर रहा है, क्योंकि भाई लोग ही ऐसे चूतिए हैं।
सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, आई एम रियली सॉरी किसी को बुरा लगा हो तो, वो बस जज्बात में निकल गया। बट भाई क्या बोल, लोगों को सही चीज बताओ तो वो लोगों को समझना नहीं है। अभी मैं यहाँ पर 10-10 लाख का, 20-20 लाख का पीसी शो ऑफ करने लगूंगा तो भाई तुम लोग को बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन मैं काम का चीज दूंगा। अब तुम खुद देख लो ना भाई, पीसी हाउ मच द मोस्ट एक्सपेंसिव गेमिंग पीसी कॉस्ट 1K। ये एक्सपोज द मोस्ट डेंजरस अपकमिंग स्कैम, इसमें एआई का स्कैम के बारे में बताया, पीसी मार्केट में 4,000 व्यूज। ये देखो पीसी बिल्ड स्कैम है, उसके बारे में मैंने कितना, 2,600 व्यूज, एआई एल्गोरिथम में 250 व्यूज। फिर देखो एक 1.1K व्यूज, ये मैंने कंप्यूटर्स के बारे में बताया, 9000 सीरीज के बारे में 1.1K व्यूज, बेस्ट जीपीयू के बारे में 1K व्यूज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लास 1 259 व्यूज, माइक्रोप्रोसेसर के बारे में समझाया भाई 351 व्यूज। अब तुम बोलो मैं क्या बोलूं, तुम लोगों को जब खुद ही नहीं देखने का मन है, तुम लोगों को जब खुद ही नहीं समझना है, खुद ही तुम लोगों को बकवास वीडियो में मन करता है देखने का, तो भाई मेरा क्या गलती है उसमें मेरा भाई, बताओ भाई। मैं जस्ट एक सिंपल सा रिक्वेस्ट किया हूं वैनम भाई से, भाई अगर मैं गलत हूं, वैनम भाई अगर बोलते हैं कि भाई तुमने जो चीज बोला है वो गलत है, मैंने अपने वीडियो में भी बोला है, तो वो मैं अभी ही बोल रहा हूँ कि भाई अगर वैनम भाई मुझे बोलते हैं कि भाई तुमने जो वीडियो में बोला है वो गलत है, मैं उसी टाइम हाथ जोड़ के माफी मांगने को रेडी हूँ वैनम भाई से, और वो जैसा बोलेंगे मैं वैसा वीडियो के साथ करने को रेडी हूँ। अगर वो बोलते हैं वीडियो डिलीट कर दो, मैं संग संग डिलीट कर दूंगा विदाउट एनीथिंग। मैं कोई यहाँ पर कॉन्ट्रोवर्सी के लिए इसको नहीं कर रहा हूँ मेरे भाई, इट्स जस्ट कि भाई कुछ क्वेश्चन है मेरे वैनम भाई के प्रति, वो चीज है। अगर मैं आप लोग एक बात बताऊँ भाई, मैंने ये वाला वीडियो बनाया था ठीक है, देखो इसमें मैंने जस्ट क्वेश्चन पूछा था मैंने आपने राशिद भाई से कुछ चीजों के बारे में, जिसका उन्होंने जवाब भी दिया है, आप लोग देख सकते हो। तो बस उन्होंने जवाब दे दिया मेरा क्वेश्चन, बात खत्म हो गया। वो ही इज सो हम्बल एंड सो जेंटल भाई, सच में दिल से रिस्पेक्ट है राशिद भाई के लिए भाई, सच में यार। बस वही सेम चीज मैं वैनम भाई से भी पूछ रहा हूँ भाई, उस चीज को लेके तुम इतना क्यों हेट फैला रहे हो भाई। तुम लोग देख लो मैंने क्या कमेंट किया, नो इश्यूज सर, आई रियली अप्रिशिएट योर आंसर, थैंक यू सो मच सर, आई होप यू डिडंट माइंड माय क्वेश्चन, बिकॉज लिटरली मैं वही बोला क्योंकि मुझे जस्ट क्वेश्चंस था भाई, जो कि हमारे राशिद भाई ने इसका आंसर मुझे दे दिया। अब बस बात खत्म, मुझे और कुछ नहीं जानना है, और मैं और कोई वीडियो भी नहीं बनाने वाला हूँ ऐसा कुछ टाइप का। वही सेम चीज यहाँ पर भी मैं पूछ रहा हूँ, तो भाई उस पर तुम लोग इतना हेट फैलाने का क्या जरूरत है, नल्ले हो, कुछ काम धाम नहीं है जिंदगी में, क्यों भाई क्यों, थोड़ा चीजों को समझो। अब यहां पर कुछ लोग और हैं जो कमेंट कर रहे हैं भाई, जो जिसको जो करना कर रहा, तुमको तो इतना क्यों खुद नहीं बा, बा, क्या बोलता चुल मचा हुआ है, जो वो तो मस्त अपना काम कर रहा है, वो दूसरा कंटेंट, ये दूसरा कंटेंट बता, तुमको इतना चुल नहीं क्यों मचा हुआ है भाई। मुझे चुल इसीलिए मचा हुआ है ना, क्योंकि भाई तुम लोग को नहीं पता, तुम बैठ के ना मोबाइल में घाट के यूट्यूब से उठा के या इंस्टाग्राम से या फिर गूगल से उठा के आर्टिकल भर के थोड़ा बहुत ज्ञान ये करते हो। तुमको बोल रहा हूँ जो ऐसा फालतू टाइप के कमेंट कर रहा है तुमको, ठीक है, तुम जैसे लोगों को बोल रहा हूँ भाई। प्रॉपर जब ना पढ़ाई लिखाई भाई, ये मेरा ना इधर से है ठीक है, ये जो पीसी इंडस्ट्री है ना, पीसी रिलेटेड जो चीज है ना, ये मेरा इधर है ठीक है, बचपन से इसमें हूँ ब्रो। चैनल अभी को भी खुला है, तुम लोग मुझे चैनल से अभी अभी जानते हो, लेकिन इस इंडस्ट्री में मैं सबसे पुराना बंदा हूँ भाई। मेरा एज बहुत कम है, लेकिन भाई मैं जितने साल का एक्सपीरियंस है ना पीसी इंडस्ट्री का, सबसे पुराना बंदा हूँ मैं। और जब इतना पुराना बंदा मैं, इतने साल लगा के जब पढ़ाई लिखाई की है, 10 साल का अप्रॉक्स का एक्सपीरियंस है मुझे, और जब मैं देखता हूँ ना ये सब, तो मुझे थोड़ा सा लगता है कि भाई क्यों, कुछ हम लोग का इंडस्ट्री में बेटर हो सकता है। मैं जब फॉरेन के यूट्यूबर हार्डवेयर अनबॉक्स को देखता हूँ ना, या फिर किसी लाइन स्ट्रक्चर को देखता हूँ ना, तो मैं भी सोचता हूँ भाई क्यों हमारे इंडस्ट्री में क्यों नहीं ऐसे वीडियो बन सकती है। सर को मैं तुमको एक चैनल दिखाता हूँ भाई, आप लोग एक बार देखो। एक बार जरा देखो तो कुमार सर के वीडियोज देखो ब्रो, अगर कोई बंदा है इसको एकदम बेसिक नॉलेज, कुछ वीडियोस नॉलेज नहीं है ना पीसी के बारे में, भाई देखो प्लेलिस्ट देखो यार, हर एक चीज के बारे में तुमको इन डेप्थ और वो तुमको बेसिक्स भी सब कुछ पता चलेगा। बायोस क्या होता है, यूएफआई क्या होता है, एसएसडीज के बारे में, स्टोरेज के बारे में, देखो कितने सारे वीडियोज है प्रॉपर भाई, सब नॉलेजेबल वीडियोज है तुमको। डेटा ट्रांसफर सब तुमको बताएंगे, वर्चुअल रैम क्या होता है, वर्चुअल रैम तो नया ना तुम लोगों को सुनेगा, बहुत पहले से आ रहा है, तुम लोगों को पता भी नहीं होगा। व्यू इनका सब्सक्राइबर देख लो भाई 129K। तो दैट इज व्हाट आई वाज टेलिंग भाई, मेरे को मत करो सपोर्ट, बट कम से कम इन जैसे चैनल को तो सपोर्ट करो जो आपको इस लेवल के गुड कंटेंट प्रोवाइड करते हैं।
ये क्या है भाई, ये क्या है, डजंट ही डिजर्व मोर मोर देन दिस, डजंट ही डिजर्व मोर देन दिस। मैं एक और चैनल दिखाता हूँ भाई, जिसका मैंने बोलते रहता हूँ ना हमेशा आपको, मैं दिखाता हूँ एक सेकंड, हमारे आयुष भाई का चैनल है टेक्नीशियन भाई। आयुष वेल की वीडियोस देख, देखो यार प्रॉपर बंदा कितने प्रॉपरली सब कुछ आपको समझाता है 7800 XT का, 4070 के बारे में देख लो, कंटेंट देखो भाई कितने बवाल कंटेंट बनाता है ये बंदा। Doesn't this person deserve more views and more subscriber than this? Doesn't he? मेरे को बात बताओ, क्या वो he deserve नहीं करता है? और आप लोग देखो क्या कर रहे हो उनके साथ, और यहां पर मेरे को बोल रहे हो कि भाई जो चीज कौन कर रहा है नहीं कर रहा है वो चीज छोड़ दो। यार अगर कोई बंदा हिम्मत करके ना कुछ करना भी चाहता है ना पीसी इंडस्ट्री के लिए, तुम जैसे लोगों की वजह से, जो लोग को कुछ मतलब ही नहीं है कभी खुद को कुछ ये नहीं करना है, उसके वजह से वो बंदा का भी मनोबल टूट जाता है, जिसके वजह से लोग छोड़ छोड़ के चल जाते हैं चैनल को। बात समझा करो मेरा, अगर अभी भी नहीं समझोगे ना भाई तो तुम कभी नहीं समझ सकते, तुम वही वही चीज में घुसा रहोगे, क्योंकि भाई तब तक तुमको खुद नहीं बदलने का मन करेगा ना, तब तक भाई कोई भी बंदा आके तुम्हारे लिए कुछ भी कर दे ना, मुझे अब ना सच में बेकार लग रहा है कि तुम लोग के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, इतना ये कर रहा हूँ इंडस्ट्री को ग्रो कराने के लिए, मुझे अब सच में फालतू लग रहा है। क्योंकि भाई जब अगले बंदे को ये नहीं है, एक एक प्रैक्टिकल चीज है कि उसके पास ये नहीं है, और यहाँ पर आके ये कर रहे हो, तो भाई मैं किस किसके लिए मैं इतना ये कर रहा हूँ, किसके लिए मैं ये सब वीडियो बना रहा हूँ तुम्हारे लिए, किसके लिए बताओ मेरे को जवाब दो उसका प्लीज। फिर कोई भाई बंदा बंदा मैसेज करता है, अरे भाई ज्यादा उंगली मत कर नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मतलब धमकी बेसिकली। भाई मैं आपको आपको आप लोग जैसे लोगों को बस एक चीज बताऊंगा भाई, भाई यहाँ पर कोई धमकी वमकी का बात नहीं हो रहा है, यहाँ पर सिंपल सीधा सा कुछ क्वेश्चन है जो मैंने वैरम भाई से पूछा, दैट्स इट, सीधा सा सिंपल जस्ट एन हेल्दी डिबेट, बात खत्म। इसको उस वे में लेके जाने का कोई मतलब नहीं है भाई, जिस वे में आप लेके जा रहे हो, क्योंकि भाई मैं आपको एक क्लियर सीधा सा बात बताऊं, आप जो समझ रहे हो ना कि भाई मुझे कि मैं एक बच्चा सा यूट्यूबर हूँ, ठीक है नया नया आया हूँ यूट्यूब इंडस्ट्री में, कोई भी कुछ भी बोल देगा मैं अरे बाबा भाई, ये चीज मुझे बोलना नहीं था, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ मैं कौन हूँ क्या कर सकता हूँ, वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और एक बात हमेशा याद रखना, सब उंगली हाथ का एक जैसे नहीं होता है, ठीक है, कौन सा उंगली कैसा होता है तुमको नहीं पता, कौन इंसान क्या कर सकता है किसी को कुछ नहीं पता है, दिमाग घूरने वाला उड़ने वाला जो आप बातें कर रहे हो वो किसी का और का भी हो सकता है, वो क्या कर सकता है वो आप भी नहीं जानते, कोई भी नहीं जानता। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि भाई उस सब चीजों को इसमें मत घुसे रहो, नहीं तो भाई वो सब चीजें से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये तो भाई सीधा सा बात है, सब उंगली एक जैसा नहीं होता, ये बात बस याद रखना, बाकी मुझे कुछ नहीं बोला जाता इस चीज पर। और फिर एक और बंदा हमारे भाई ने कमेंट किया था कि भाई डोंट यूज इंडिया फ्लैग इन योर बैकग्राउंड वीडियोस, ठीक है, यू डोंट डिजर्व इट, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कर सकते, ये सब प्लेयर लोग स्पोर्ट्स प्लेयर लोग यूज कर सकते हैं। भाई एक मैं चीजों से बात बताता हूँ, ऐसा अगर है ना तो इंडिपेंडेंस डे में अगस्त अगस्त इंडिपेंडेंस डे में और रिपब्लिक डे में झंडा लेके फैलाओ मत, मत मत जय हिंद बोलो, फिर इंडिया हमारा है एंड वी वांट इन इंडिया टू ग्रो इन एवरी कंट्री सॉरी एवरी स्पोर्ट्स और एवरी फील्ड, नॉट ओनली इन जस्ट क्रिकेट और एवरीथिंग एल्स, समझ में आया। और रहा बात अगर तुम बात कर ही रहे हो ना स्पोर्ट्स का, तो ब्रो तुमको तो पता नहीं होगा, ये पीसी तो ठीक है भाई मेरा पैशन है, बट तुमको नहीं मालूम होगा मैं एक नेशनल एथलीट हूँ ब्रो, आई एम एन नेशनल एथलीट, मैं पावर लिफ्टर हूँ, नेशनल एथलीट हूँ ब्रो, ठीक है। जो तुम भाषण दे रहे हो ना कि इंडिया का फ्लैग मतलब लो के ये करो ब्रो, कुछ साल बाद मैं खुद इंडिया को रिप्रेजेंट करूंगा पावर लिफ्टिंग में, एशियंस में, ठीक है। बहुत सारे कमेंट है, मैं सबको लेके क्या ही बोलूंगा, सब लोग वही बकवासी कर रहे कि भाई तुमको क्या लेना देना, तुम ये क्यों कर रहे हो, वैनम भाई ये है, वैनम भाई का तुम जूता भी नहीं, भाई मैं खुद बोल रहा हूँ वैनम भाई मेरे से बहुत ऊपर है भाई, मैं कुछ नहीं हूँ वैनम भाई का सामने, मैंने वीडियो में भी क्लैरिफाई किया, आई एक्सेप्टेड, मैं कुछ नहीं हूँ वैनम भाई का सामने में, बस मुझे कुछ क्वेश्चन है वैनम भाई से, जिसका मैं हाथ जोड़ के वैनम भाई से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज वैनम भाई अगर आपके पास थोड़ा भी टाइम हो तो प्लीज मेरे क्वेश्चन के जवाब दे दीजिएगा,
बस और कुछ नहीं चाहिए इस फिल्म में। देखो अगर आपको लगता है कि मेरा जो भी आप इस वीडियो में मैंने बोला है वो गलत है तो आप मुझे एक बार बस बोल दो, उसके बाद मैं तुरंत ही वीडियो डिलीट कर दूंगा और आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगने के लिए भी रेडी हूं सर। आई डोंट हैव एनी इश्यूज इन दैट। बट अगर मैं गलत नहीं हूं तो सर आई जस्ट वॉन्ट कि आप बताएं या फिर आप खुद बोले कि भाई हाँ ऐसा चीज है इसके लिए मैं ऐसा वीडियो नहीं बनाता, मतलब एक एक्सप्लेनेशन और कुछ नहीं सर। और आपके जितने ऑडियंस है जो लोग आके मुझे गाली गलौज कर रहे हैं उनको भी मैं ये चीज बोलना चाहूंगा, भाई प्लीज ये बाइक वाला साला काम नाम तो ये लोग को है नहीं कुछ, ठीक है फालतू में फटनी लगा लेता है और भाट 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 करता है, जिंदगी में कुछ खाड़ा तो है नहीं, यही एक तो रह गया है इंडिया में करने के लिए किया लोग साला। तो बस वही मैं बोलना चाहता हूँ। और जो लोग ऐसे ऐसे गली गलौज वाले कमेंट कर रहे हैं भाई ये सब चीजें मत करो, प्रैक्टिकली चीजों को सोचो, क्योंकि ये सब चीजें करके ना तुम कहीं नहीं जाओगे भाई, ठीक है। और आप जैसे लोग जो ऐसा जगह कमेंट कर रहे हो ना उसका वजह से इंडिया कहीं ग्रो नहीं करता। इंडिया आज सिर्फ क्रिकेट क्रिकेट में ही क्यों ग्रो कर रहा है और कोई स्पोर्ट्स में क्यों ग्रो नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि भाई किसी को कुछ से मतलब भी नहीं, किसी को इंडिया से कोई मतलब नहीं है मेरा भाई, सिर्फ लोगों को वो चीज से मतलब है जो चीज उन लोगों को देखने में मजा आता है और कुछ नहीं। इंडिया जिम्बाब्वे का अभी आईपीएल एशिया इंडिया जिम्बाब्वे का अभी टूर चल रहा है क्रिकेट का, कितने लोग देख रहे हैं? आई डोंट थिंक कितने लोग देख रहे हो। वर्ल्ड कप तो इंडिया इंडिया, इंडिपेंडेंस डे तो इंडिया इंडिया, रिपब्लिक डे तो इंडिया इंडिया, बाकी दिन इंडिया को रात मारो। सही है भाई, बहुत अच्छा देश देश देशभक्त हो तुम। बस मुझे जो बोलना था मैं बोल दिया, इसके बाद और कोई मैं ऐसा कमेंट्स का रिप्लाई एकदम नहीं करूंगा भाई। जिसको समझना है अब इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर नहीं समझेगा तो भाई वो कभी भी नहीं समझ सकता। उनके लिए बस मैं ये बोलूंगा भाई अगर आपको मेरा कोई बात का बुरा लगे तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। चलो बाय एवरीवन, जय हिंद जय भारत।